चलिए जी देखते हैं स्ट्रीमिंग चल रही है या नहीं <laughs> स्ट्रीमिंग लाइव ओके okay. चल रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असलम सो ऑल ऑफ यू और uh, टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो इट्स अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर द मास्टर्स इन जर्मनी आई थिंक बैचलर्स का प्रोसेस भी सेम ही होगा थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ को लेके थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट को लेके डिफरेंट हो सकता है लेकिन ओवरऑल प्रोसेस जो वो सेम हो सकता है होगा अच्छा जी uh, ये वीडियो उनके लिए है जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिनको नहीं पता कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं या कहाँ से स्टार्ट पकड़ें या फिर ये उनके लिए हो सकता है जिनको यानी कि पहले पता है कि क्या प्रोसेस हो सकता है लेकिन स्टिल वो स्टकें समाओ किसी न किसी पॉइंट पे कि क्योंकि हम स्ट्रीमिंग में देखेंगे लाइक फ्रॉम डॉक्यूमेंट कलेक्शन डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए कलेक्ट करके रखने हैं कोर्सेज कौन से पिक करने हैं फिल्टर आउट कैसे करना है अप्लाई कैसे करना है ब्लॉक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है अपॉइंटमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है मतलब एक जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम अप्लाइंग टू अराइविंग इन ए जर्मनी वो पूरा देखेंगे तो अगर इसमें से किसी को एक प्रोसेस पता है तो फुली uh, उसको जो है ये पूरा वीडियो ये लाइव स्ट्रीमिंग उसको जो है वो बेनिफिशियल रहेगी अच्छा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लाइक टू अप्लाई इन इन जर्मन फॉर द मास्टर्स लेकिन मैं आ, इसको स्टार्ट करता हूँ मैंने कैसे और कब अप्लाई किया तो आई थिंक उसी के ही अंदर उसी ही प्रोसेस के अंदर मेरे प्रोसेस के अंदर ही सारे वो क्वेश्चन हैं के आंसर्स भी हैं जो मोस्टली न्यू कमर्स आते हैं अप्लाई करते हैं जिनको नहीं पता तो अच्छा मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई थी 2020 की एंड में उसके बाद राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई जस्ट एट डूइंग फ्री लासिंग कुछ महीने की फिर एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिली जॉब करने के बाद ऐसा था कि पैसे आ रहे हैं जॉब चल रही है तो आई वॉज ओके लाइक ठीक है मास्टर्स की क्या नहीं जबकि मास्टर्स का शौक मेरा बैचलर से ही था लाइक आई हैव टू गो जर्मनी फॉर माई मास्टर्स और जर्मनी ही माइंड में था अच्छा फिर ये प्रोसेस चलता रहा कि जॉब करनी है एंड आर ऑन वॉन्ट टू कंटिन्यू मे मास्टर्स और फिर ये चलता रहा जॉब की कुछ महीने और फिर जो है मैंने सोचा अब जो है मेरी शायद स्किल्स यहाँ पे स्टॉप हो गई हैं वर एफ में प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ एंड देन आई अप्लाइड इन इन जुलाई सिस्टम्स लिमिटेड में मॉन्स्टैक uh, डेवलपर के लिए एज अ वेब डेवलपर अप्लाई किया था और फिफ्टीन जुलाई को मेरा इंटरव्यू था और अराउंड कुछ टाइम लगा था पंद्रह बीस दिन तो ऑफ़र लेटर आ गया था ट्वेंटी थर्ड ऑफ द अगस्त मेरी ज्वाइनिंग थी ज्वाइन कर ली सात आठ महीने काम किए बात आई मार्च की मार्च में मेरी कुछ फैमिली प्लस में कुछ फ्रेंड्स और आपको पता है मार्च और अप्रैल के बाद अप्रैल के बाद जो गवर्नमेंट की सिचुएशन सब डाउन हुई थी उसको भी लेके फिर माइंड में आया ये 2022 की बात कर रहा हूँ अभी माइंड में आया कि अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुझे मैं मैं पर्सनली फील कर रहा था कि हाँ मेरा कुछ खास हो नहीं सकता फिर जो है अच्छा तब तक मुझे ये था कि जस्ट मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है उसके आगे क्या है प्रोसेस क्या होता है इसका कुछ नहीं पता फिर दोस्तों से पूछना स्टार्ट किया एक्सप्लोर किया खुद से गूगल पे जाके बहुत सिंपल होता था गूगल पे जाके सर्च कर लिया हाउ टू प्लान जर्मनी बहुत सारे वीडियोस आ गए थे कुछ किसी की गूगल ने खुद बता दी किसी की वेबसाइट से लेके या कुछ रेफरेंस दिया कुछ दोस्तों से पूछा कुछ ग्रुप से देखा लेकिन मेरा जो केस था मैं कह रहा था कि अब मैं अपने केस में हर एक चीज़ को कैसे कंसिडर करूँ वीडियोज से मिल रहे थे बहुत बहुत ओवरव्यू दे रहे थे ये है वे है आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आई थिंक वो भी स्पेसिफाइड करने के लिए फिर कोई और वीडियोज़ देखना पड़ रहा था तो एक में मतलब एक ही वीडियो में कोई ऐसा मुझे प्रोसेस नहीं मिला खैर एक्सप्लोर किया चीज़ों को खुद से देखा कैसे अप्लाई करते हैं और सब कुछ ये बात है मई 27 की जब मैंने फ़र्स्ट अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में खुद से आ, जो जो मुझे कोर्सेज़ चाहिए था वो मैंने जाके कहीं से सर्च किए उसकी यूनिवर्सिटी की अपने पोर्टल पर गए और वहाँ से जाके मैंने अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट कर दिया अच्छा अप्लाई करते वक्त भी प्रोसेस मेरे लिए बिल्कुल यूँ था लाइक like, क्या, क्या क्या उसमें डेटा इनपुट करनी है कौन से तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर मुझसे कोई मिस हो गया तो क्या होगा तो ये बहुत सारी चीज़ें थी चलिए अच्छा 27 मई तक भी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट जो सबसे मेजर था वो मेरे पास नहीं था मैंने फिर भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और वो था आपका आइल्स आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास हर डॉक्यूमेंट्स थे बस आइल्स नहीं था फिर ट्वेंटी uh, मई को ही मैंने ना आइल्स के लिए बुक करना स्टार्ट कर दिया टेस्ट ना आई की दस बारह दिनों में टेस्ट थी बस क्योंकि जॉब भी मेरी चल रही थी और साथ साथ प्रोसेस अप्लाई भी कर रहा था यूनिवर्सिटीज़ में और क्योंकि सब कुछ खुद से कर रहा था तो यानी कि एक्सप्लोर करना पड़ा था काफ़ी चीज़ें पहले से बिल्कुल नहीं पता थी मुझे बिल्कुल न्यू था और ये था कि जब आप ख़ुद से एक्सप्लोर करते हो सारी चीज़ें किसी से पूछना ग्रुप से देखना और खुद से गूगल पे जाके सर्च करना तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है एक्टिक प्रोसेस भी है आ, लेकिन खैर फिर जो है दस बारह दिन कुछ मिले आज की तैयारी की और जो मुझे बैंड चाहिए थे वो आ गए थे और फिर जो है मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था यूनिवर्सिटीज़ में ट्वेंटी सेवन को किया था तीन चार यूनिवर्सिटीज़ में और एक ही एक यूनिवर्सिटी में मैंने टेंथ ऑफ जून को अप्लाई किया था ये मैं विंटर टेक की बात कर रहा हूँ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वाला और जिसकी डेड लाइन फिफ्टीन जुलाई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट था बस सडनली माइंड में आ गया मई में कि भाई अब अब अप्लाई करना है अगर कोई यूनिवर्सिटी बच्चे तो अप्लाई करना है तो सब देखा यार अब टाइम चला गया है नहीं हो सकता लेट हो गई है बहुत यूनिवर्सिटीज़ की लेकिन मेरा था कि नहीं अगर एक भी यूनिवर्सिटी की होगी मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगा नो मीटर वाट फिर ये देखा कि डेढ़ लाइन कब है तो देखा कि डेढ़ लाइन फिफ्टीन जुलाई है मैं मई ट्वेंटी सिक्स को खड़ा हूँ मैंने कहा कल से स्टार्ट करते हैं इसको अप्लाई करना है और वैसे ही हुआ ट्वेंटी सेवन ऑफ मई को मैंने अपना पूरा प्रोसेस मतलब चीज़ों को समझना खुद से एक्सप्लोर करना ख़ुद अप्लाई करना वो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो मेरे लिए और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया अच्छा इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे अब हम वो देखेंगे भी कौन कौन से चाहिए आ, मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया था तो फिर नहीं थे तो मैंने उस केस में क्या किया था अब ये एक फर्स्ट पॉइंट है देखते तो मैं इधर लिख भी देता हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए तो सबसे पहले आपको अकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो एचीसी से अटेस्टेड चाहिए और उसके साथ साथ आपको इंटरमीडिएट के यानी कि मैट्रिक और इंटर की आपको मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए ये अटेस्टेड कहीं से नहीं कराना कुछ नहीं कराना जस्ट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए पी फॉर्मेट में स्कैन करा के रख लो या आप ख़ुद कर ले मोबाइल एप्लीकेशन से न अच्छा अगर आप इंटरमीडिएट आपने नहीं की लाइक आपने कोई एफ किया तो उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स देख लेना कि इसमें में इस केस में आपके कौन से देने हैं ठीक है और अगर स्कैनर एप्लीकेशन की बात करूँ एंड्रॉयड के लिए तो मैंने आई स्कैनर यूज़ किया था यू कैन यूज़ वर एवर यू विस्ट और अकेडमिक के बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे वो थी सी एज़ यूजल और उसके साथ साथ पासपोर्ट अच्छा मैंने कहा कि मैंने मतलब अप्लाई करना स्टार्टिफ ट्वेंटी सेवन मई को किया था तो मेरे पास ये वाली जो चीज़ें थी नहीं थी जैसे पासपोर्ट हो गया आई ये नहीं था मेरे पास सी वी था खुद बना सकता था अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स थे और वो एच सी था टेस्टेड मैंने पहले ही करवा के रख लिए थे अच्छा तो पासपोर्ट मैंने फिर ट्वेंटी शायद फर्स्ट जून को गया था मैं और एक हफ़्ता लगा था मेरे जो है वो पासपोर्ट बन किया था टेन इयर्स वाला ऑन अर्जेंस अर्जेंसी यानी कि अर्जेंट बेसिस पे ही मैंने ये बनवाया था उसकी चार्जेस भी थी मैंने वो भी दी थी मैंने कोई मसला नहीं जल्दी से बना के दो तो आप भी अगर आप न्यू पासपोर्ट बना पासपोर्ट बनवा रहे हैं या बनवाएंगे जब अप्लाई करना चाहें तो टेन ईयर्स का आई वु रिकमेंड यू और अगर पहले बना हुआ है तो अच्छी बात है अगर फाइव ईयर्स का बनाने का मूड है या सोच रहे थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना टेन ईयर्स का फिट है आप आपको दोबारा बनाने की पाकिस्तान जाके बनवाने की जिंदगी नहीं है अच्छा और पासपोर्ट के साथ जो है दूसरा आपका आता है लेटर ऑफ मोटिवेशन और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है आपको लिखने में लेकिन इसमें मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की थी काफ़ी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन आपको दो चाहिए आपको अपने प्रोफेसर से मिल जाएंगे मैंने उनको भी मेल की थी तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया था लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ अगर आपके पास फाइनल ईयर की थीसिस है वो भी पी फॉर्मेट में देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर दैट वाइल यू आर अपलाइंग टू यूनिवर्सिटीज़ वो भी आप दे सकते अपलोड कर सकते हैं इन अदर डॉक्यूमेंट्स वाला एक सेक्शन होता वह देखेंगे तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं uh, थीसिस के बाद क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो सकता है अकेडमिक uh, डॉक्यूमेंट्स हो गए सी वी हो गई पासपोर्ट हो गया लेटर ऑफ मोटिवेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन थीसिस हो गया तो आई थिंक जब आप अप्लाई करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स uh, जो है अच्छा उसके साथ अगर आखिर में बचता है तो वो बचता है आर्ट्स और इसमें मिनिमम सिक्स होना सबसे मैंडटरी अगर आपका टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर आपका टारगेट नहीं है जस्ट ये कि मुझे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है सम हम रैंकिंग में थोड़ी बहुत अच्छी हो बस ये है कि जर्मन स्टैंडर्ड क्योंकि एजुकेशन का यहाँ मोस्टली सेम होता है तो आपको वरी करने की नीड नहीं है कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है ऐसा कोई सीन नहीं है आपको रैंकिंग से कुछ लेना देना नहीं अगर आप रिसर्च साइट जाना चाहते हैं पी करना चाहते हैं तो दैन यू है दच यूनिवर्सिटी जिसकी रैंक अच्छी हो जिसमें रिसर्च काम ज़्यादा होता हो जिसकी पब्लिकेशन ज़्यादा हो वह एक अलग क्या अदरवाइज़ टेंशन लेने की अगर आप टेक्निकल बंदे और आप जॉब मास्टर्स की बात करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से हॉक्शुलर यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कोई भी मिल जाए तो मसला नहीं है ठीक है कोई इशू नहीं है अच्छा आइल्स मिनिमम सिक्स इसीलिए क्योंकि एक तो एम की रिक्वायरमेंट सिक्स है और जब आप एम में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको आयल्स डेफिनेटली देखेंगे अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट सिक्स है या फिर यूनिवर्सिटी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट आयल्स नहीं है प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट भी है तो चलो यूनिवर्सिटी तो आप फेव कर चुके हैं लेकिन फिर एमबेसी आपसे मांगती है जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट सिक्स होती है अच्छा एक दूसरा केस यहाँ पे ऐड कर दूँ एक तो आइल्स या फिर प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं अगर कोई यूनिवर्सिटी आइल्स नहीं मांगती तो वो प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट मांगती है और वो प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनिवर्सिटी से ही मिलता है जहाँ से आप डिग्री निकलवाते हैं एडमिन ब्लॉक होगा आपके पास जो भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वहाँ से आपको जो है प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट मिलता है चालन होता है फिल करें सौ दो सौ का होता है शायद और फिर आपको वो किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ को इधर वो भी चाहिए होता है और आइज्स फिर भी देना और इतना ट्राई करना कि सिक्स आ जाए इससे कम ना आए ठीक है ठीके। और ठीक है मिनिमम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपकी ये है जब आप अप्लाई करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि भाई चलें डॉक्यूमेंट्स तो हमने सारे कलेक्ट कर लिए अब कोर्स कौन सा सिलेक्ट करें लाइक कौन सा कोर्स सिलेक्शन में सिलेक्ट करना चाहिए अच्छा इसमें मैं यही बोलूँगा कि आपको पहले देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है आपकी बैचलर किस की हुई है और आपका कोई एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में लाइक मेरा था मॉन्सटेक का ना वेब डेवलपर था मैं तो आपको ये चीज़ देख ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ बाक़ी यानी कि डिपार्टमेंट्स का मुझे आइडिया नहीं है फील्ड्स का या कोर्स सिलेक्शन का मुझे आइडिया नहीं है लेकिन इसी तरीके से ही वो सिलेक्ट किया जाएगा जिस तरीके से मैं आईटी को टारगेट कर रहा हूँ ठीक है अच्छा लाइक इसमें जॉब करना चाहते हो और इसमें ही मास्टर्स करना प्रफेयर करते हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जब आप कोर्स सिलेक्शन के लिए सर्च करें एक वेबसाइट पे जो हम या फिर साइबर सिक्योरिटी करनी है ये कुछ भी नहीं करना अगर आपका एक्सपीरियंस आप उसमें इंटरेस्टेड हो आपको जॉब करनी है आपको रिसर्च साइड नहीं जाना तो आपको ये चीज़ें जो ये फैंसी चीज़ें हैं ना ए आई इसमें जाने की कोई नीड नहीं है आपको सिंपली वेब इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहिए जिसमें आपका पहली बेचलर्स में एक बैग उसके साथ साथ डिस्कनेक्शन ओके कनेक्टेड अच्छा कोर्स सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा आपका एक्सपीरियंस है किस चीज में है उस हिसाब से आपको कोर्स सेलेक्ट करना है मान लो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने बैचलर आईटी में से सॉफ्टवेयर सी एस एंड टेलीकॉम में की है लेकिन आप इंटरेस्टेड हो ना प्रोग्रामिंग में हो और आप प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्टेड आप ये हो कि यार मैं वेब डेवलपमेंट का काम कर सकता हूँ अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं है वेब डेवलपमेंट में खास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं लेकिन आपको ये कि मैं इसमें अपना हंड्रेड परसेंट दे सकता हूँ और मेरे लिए इजी है इरादा दिन मैं ए आई चूज करूँ या डेटा साइंस तो भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है वो वेब इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस जैसा कोर्स जो है चूज़ कर सकते हो और इसमें कोई मसला नहीं है कि मैंने ए आई तो नहीं किया है कि तो बड़ी डिमांड है भाई भाई डिमांड है डिमांड तो हर चीज़ की है ऐसी बात नहीं है ठीक है डिमांड पे कभी नहीं जाएंगे साथ जो है वो अप डाउंस होती हैं कभी ए आई आप कभी आपकी वेब इंजीनियरिंग साइड वाली जो ये फील्ड है वो डाउन ये चलता है इसका इशू खास नहीं है जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो उसमें चूज़ करें ना कि मार्केट को क्या चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है और अच्छा अब ये कोर्स सिलेक्शन कहाँ से किया जाए राइट right, अब आपके माइंड में अच्छा आपकी दो चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट सारे आपने कलेक्ट करके रख लिए दूसरा क्या था आपने कोर्स सिलेक्शन कर लिया कि मुझे कौन सा कोर्स जो है या कौन सा सम हाउ रिलेटेड टू तो माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड माय बैचलर डिग्री मुझे चाहिए अभी आपके माइंड में आ गया अभी के, फिर डि कोर्सेस कहाँ से सर्च किए जाएँ तो सबसे पहले आपने एक वेबसाइट है मैं इसका जो है आपको लिंक इधर दे देता हूँ चैट में भी दे, दे, दे देता हूँ ठीक है होपली आ, आ गया ठीक है आपने इस वेबसाइट पे जाना है ये मोस्टली सबको पता होती है दादा डी सबको इसका पता है तो आपने इस वेबसाइट पे आना है यहाँ पे कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट, सर्च कर सकते हो बहुत सारे फिल्टर्स मौजूद हैं पहले सर्च का है लेट्स अगर मैंने कर लिया वेब इंजीनियरिंग और टाइप क्या है मास्टर चलें ठीक हो गया या फील्ड ऑफ क्या है इंजीनियरिंग हाँ भाई इंजीनियरिंग करनी है मुझे सब्जेक्ट क्या है आपका आपका सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं आपका इंजीनियरिंग इन जनरल ले सकते हैं या जो भी आपको तो हम इंजीनियरिंग जनरल कर लेते हैं और कोर्स uh, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए ये ये लाजमी फ़िल्टरेट करना है वेल यू आर सर्चिंग फॉर दर्स ऐसा ना आप जर्मन में भी कर लें और आपको वो कोर्स सही लगे जब अप्लाई करें और आपको कंडीशनल लेटर आए कि आपको जर्मन जो है वो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी देना है और आपका एन दिन बम है तो हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हमारी पहली यूनिवर्सिटी मास्टर्स की डिग्री दे रही है सॉफ्ट इंजीनियरिंग फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एम इंजीनियरिंग और अच्छा इसके पास बिगिनिंग इवेंटर ओ बी एस इज डिस्कनेक्टेड ठीक है लाइक किसी यहाँ पे मोस्टली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उसकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है तो अगर आपको कोई ट्यूशन फीस भरने का शौक है तो फिर आप ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर वाली यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं अदरवाइज पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है वो भी देख सकते हैं वो भी बात होती है अब इसकी है, अगर आपको नहीं पे करना सो so, इसको स्किप कर सकते हैं इसको देखना भी नहीं जैसे ये है ट्यूशन फीस वेरड लिखा हुआ है ये थ्री सेमिस्टर्स पे डिपेंडेंट है जो कि है आपको मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी लेकिन अगर आपकी ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये आपकी जो है हॉकशोल यूनिवर्सिटी है ऑफ अप्लाइड साइंस और स्टाइन यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है मेजर आपकी इंग्लिश में है इसके भी थ्री सेमेस्टर्स हैं और इसकी ट्यूशन फ़ी आप इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप जो है कुछ फिल्टर्स और भी लेफ्ट साइड से देखें तो लगा सकते हैं जैसे एक ऑप्शन है कि नो ट नो फीस लाइक यू वन एनी ट्यूशन फ़ी इफ़ यू चूज़ दिस ऑप्शन सो आप इसको चूज़ कर सकते हैं तो आपको मोस्टली जो है वो ट्यूशन फ़ी नन वाली मिलेंगी जैसे ये यूनिवर्सिटी मिली मास्टर्स डिग्री डिजिटल इंजीनियरिंग और इस यूनिवर्सिटी आर्ट ये यूनिवर्सिटी है वाइमर अब इसका सब्जेक्ट क्या है इंजीनियरिंग इन जनरल अगर आपको इंजीनियरिंग जनरल करना है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं और इसकी कुछ और भी इंफॉर्मेशन जैसे लैंग्वेज ड्यूरेशन इनका इनका बिगनिंग कब है विंटर और समर दोनों में है अच्छा और बहुत सारी और लिस्ट है हम किसी भी अभी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं कि यार हमें लेट से इसमें अप्लाई करना है ठीक है जैसे ये है नहीं बारह इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते कोई अपनी फील्ड से देख लेते हैं ना आ, अच्छा अगर आपको और फिल्टर करना है ना इधर वेब इंजीनियरिंग जैसे लिखा है लेट से कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस तो हमारे पास ये कंप्यूटर सिमुलेशन इन साइंस कंप्यूटेशन टीफ म्यूनिक अब जैसे ये टम यूनिवर्सिटी में अभी आई थिंक समर चल रहा है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते आ, ये अप्लीकेशन आपकी विंटर के लिए नहीं लेंगे ठीक है और इसके सेमेस्टर कितने हैं चार तो मान लेते हैं हम ये जो है रॉस्टॉक वाली इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसकी भी मोस्टली सेम चीज़ें हैं लेकिन ये कि इसकी बिगनिंग विंटर और समर दोनों में है लेट्स हम इसमें गए तो एप्लीकेशन की डेडलाइन के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लेके खुद जा रहा है कि वहाँ से आपको और इन्फॉर्मेशन प्लस में डेड लाइन क्या है वो भी मिल सकती है राइट और नीचे और कुछ ऑप्शंस हैं कि ये कंबाइंड मास्टर प्लस पीएचडी प्रोग्राम है नहीं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि पीएचडी हो तो फिर ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर नहीं है ये कोर्स आपके लिए बेटर नहीं है ज्वाइंट डिग्री है डबल डिग्री नहीं तो ये भी इन्होंने नो लिखा हुआ है ठीक है डिस्क्रिप्शन ये कि कोर्स ऑफ स्टडीज़ इंटर डिसप्लिनरी इट ऑफर्स फॉलोइंग थ्री एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन आप कंप्यूटर लिख कर रही है ठीक हो गया और अभी मान लेते हैं कि एक तो हम इसकी वेबसाइट पे जाके फर्दर इंफॉर्मेशन भी देखते हैं जब भी अब अप, जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मैंने ऐसा किया था दाँत पे गया सिटी को सर्च किया कोर्सेज के नाम से जो मुझे रिक्वायरमेंट है जैसे ये यूनिवर्सिटी है तो इसके पास बैचलर कोर्स हैं मेडिसिन से मास्टर्स कोर्सेस विदाउट लोकल एडमिशन रिस्ट्रिक्शंस इसकी जो एप्लीकेशन पीरियड है फादसम नवंबर फर्स्ट तो फिफ्टीन सो तो मतलब अभी इसकी डेड लाइन है इसमें जाके हम अप्लाई कर सकते हैं अभी टाइम पड़ा हुआ है ठीक है अच्छा ये कुछ नोट लिखा हुआ है जब आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो कि क्या वो आपसे एप्लीकेशन डायरेक्ट अपने पोर्टल से लेती है या फिर यूनिवर्स से लेती है ये भी चीज़ें माइंड में लेना ज़रूरी होता है जैसे इसके पास इन्होंने कुछ नोट दिया हुआ है ना कि एप्लीकेशन वाया ने वो हम बाद में देखेंगे आ, लेकिन समाव अगर आप पीछे आए दाँट पे तो इस इसके पास एक दूसरी चीज़ है जैसे कोर्स डिटेल से अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे पर्टिकुलर कोर्स चाहिए तो इसके पास समाव कुछ डिटेल्स भी दी गई है के टोटल सम 90 क्रेडिट्स होती हैं थ्री क्रेडिट थर्टी क्रेडिट्स ईच सेमेस्टर होता है इन द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट विल राइट एंड डिफाइन द मास्टर थीसिस व्हिच इज ऑफ कोर्स ऑफ थ्ररी क्रेडिट्स एंड देन इट्स ओवरऑल वन ट्वेंटी क्रेडिट्स फॉर द फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट एंड फंडिंग आपको बता सकता है कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो होती है वो हर मोस्टली यूनिवर्सिटी में होती है और वो, वो वेरी करती है और इसकी कंट्रीब्यूशन टू यूरो है और मैं इनक्रीज ईच सेमेस्टर इंक्लूडिंग द सेमेस्टर टिकेट क्योंकि ये 210 में समझे आपकी फिर वो जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो फ्री हो जाती है वो सेमेस्टर टिकेट में ही आ जाती है आपकी उसके ही 210 यूरो लगते हैं बेसिकली बाकी ट्यूशन फी कोई नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये सबसे मैंट्री है hmm, तो रिक्वायरमेंट में अगर हम आएँ तो एक अप्लीकेंट्स हैव टू प्रूव फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेशन इन द सब्जेक्ट्स अच्छा ये ये कह रहे हैं कि आपको इन चीज़ों में इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि कंप्यूटेशनल साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल फ़िजिक्स में आपकी जो है मिनिमम क्रेडिट्स वन पॉइंट्स और सिमिलर डिग्री होनी चाहिए जो बैचलर्स में आपके आई थिंक चार साल की तो वन तो होनी चाहिए राइट और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एप्लीकेंट्स हैव टू प्रूव प्रोफॉम नॉलेज इन द फॉलोइंग एकेडमिक फील्ड्स ओके देख लेते हैं फॉर स्टडीज़ ऑफ कम्पटेशनल इंजीनियर एलेक्ट्रोमेग्नेटिक फील्ड एंड वेवस थ्री क्रेडिट्स पॉइंट्स मैथामेटिक्स एटीन क्रेडिट पॉइंट्स मान लो किस नहीं करते तो इन दैट केस आपको जो है वो रिजेक्शन मिल सकती है और अगर मिले तो फिर ये नहीं सोचना कि यार मेरी तो सारी चीज़ें सही थी रिजेक्शन क्यों मिली तो ये भी एक पॉइंट होती है तो आपको यहाँ पर वो भी चीज़ नोट करनी होती है बिफोर यू अपलाई अगर मान लो आपने यूनिस के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो आपको यूनिसेस पे पे भी करना है क्योंकि वो फ्री मोस्टली नहीं होता ना यूनिवर्सिटीज़ में यूनिसेस की चार्जेस होती है सेवेंटी सेवेंटी यूरो आई थिंक फिर दूसरी एप्लीकेशन की थर्टी थर्टी ऐसे होता है या शायद सेवेंटी फाइव एंड देन थर्टी थर्टी तो आपको फिर वो फीस भी पे कर दी सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और आपके मैथमेटिक्स के क्रेडिट एटीन नहीं पूरे हो रहे तो फिर उस केस में आपको रिजेक्शन भी आ सकती है तो आप फिर फिर सोचेंगे ओ या यहाँ तो मैंने देखा ही नहीं तो ये सारी चीज़ें जब आप आते हैं रिसर्च करते हैं डाट पे किसी भी यूनिवर्सिटी को जब वो सर्च करते हैं तो ये चीज़ें ना हमेशा माइंड में होनी चाहिए बिफोर यू आर अपलाइंग अच्छा उसके बाद एटीन क्रेडिट्स पॉइंट मैथामेटिक्स के हाँ ये सारे कुछ लिखे हुए हैं क्रेडिट्स को लेकर फॉर द ईच सब्जेक्ट जो उन्होंने मैंशन किया है और एडमिशन विल ओनली बी गिवेन ए फॉर सक्से ग्रेजुएशन फ्रॉम द मास्टर्स कैन

तो इसके लिए थ्री पॉइंट फाइव हर अब होना चाहिए और ये यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है लाजमी नहीं है कि सारी थ्री पॉइंट फाइव मांगती है और टू पॉइंट फाइव मोस्टली मांगती हैं बट इन इन दिस केस वे वी हैव दिस यूनिवर्सिटी ऑफ द रोस्टॉक जिसकी रिक्वायरमेंट थ्री पॉइंट फाइव है अगर इसे कम है तो फिर डेफिनेटली ये रिजेक्ट कर देते हैं ठीक है और इसके पास दूसरी रिक्वायरमेंट है यू कैन एनहांस योर परफॉर्मेंस विद गेट मिनिमम स्कोर ऑफ 500 और अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो यह मांगता है कि एप्लीकेंट अपलिकेंट नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश हैव टू प्रूव इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन बी टू लेवल अकॉर्डिंग टू कॉमन यूनिप ओके मिनिमम आइल्स सिक्स पॉइंट फाइव अच्छा ये आयल्स और टॉफिल मांगते हैं या तो आइल्स और टॉफिल तो आइल्स में मांगते हैं सिक्स पॉइंट फाइव जो कि बी टू बनता है तो इसका मतलब है कि अब आपके आइल्स में सिक्स नहीं लेकिन सिक्स पॉइंट फाइव होना चाहिए अगर आपका टारगेट ये यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए और वरना मोस्टली आपको सिक्स पे भी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर आपको इसमें अप्लाई करने की कोई खास नीड नहीं है लेकिन ये है कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो ये सारी पहले देखनी चाहिए और एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो उसकी सारी मालूम फिर आपको बाकी इस लिंक पर मिलेगी तो यहाँ पर हम गए भी थे हम दोबारा भी जाते हैं तो इसकी आपको हाँ वही वही पे आ गया कि इसकी डेडलाइन आपको पता चल रही है कि समर के लिए नवंबर टू तो फिफ्टीन जनवरी एंड समर के लिए विंटर के लिए फर्स्ट मई टू फिफ्टीन चला जुलाई और इसका अगर नीचे आए तो इन्होंने लिखा है कि आप इस यूनिवर्सिटी में यूनिसेस्ट के थ्रू अप्लाई करते हो हम यूनिसेस्ट पे बाद में आते हैं पहले जो है खाली यूनिवर्सिटी को हमने देखना था कि एट द इनिशियल लेवल आपको यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ से मिल सकती है तो वो हमें दाट से मिल सकती हैं सारी सर्च कर सकते हैं और अच्छा अब हमारे पास ना कोर्स सिलेक्शन का जो है ये पता चल गया कि हमें कोर्स कौन सा चूज करना है लेट्स से इन माय केस मैंने क्या किया था uh, मेरा बी बीच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था और मेरा एक्सपीरियंस वेब डेवलपर एज अ वेब डेवलपर था लेकिन स्टिल मैंने भी जो है वो थोड़ी गलती गलती तो नहीं कह सकती लेकिन थोड़ा यानी कि अपनी फील्ड से थोड़ा हट के एक्सपीरियंस से हट के जो सोचा वो सोचा कि आई हैव टू अप्लाई इन एआई, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को मैंने चूज़ किया और फिर देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑफ़र कर रही है और इसी तरीके से फिर मैं आया था डाट पे सर्च किया ए आई में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी देती है एंड इन माई केस जो यूनिवर्सिटी थी वो थी फाओ फ्रेडरिकलेक्ड्रा यूनिवर्सिटी जो कि आपकी इलांगन में आती है लंगन सिटी में आती है वेरी नियर टू नरमबर्ग और बवेरिया स्टेट में और दूसरी यूनिवर्सिटी थी बी टी जो कि कारबस सिटी में आती है विच इज़ वेरी नियर टू बर्लिन ठीक है इस ए में किया अच्छा दोनों यूनिवर्सिटी में मैंने ए में किया अच्छा एक दूसरी यूनिवर्सिटी थी निल इसमें मैंने भी ए में किया था और दूसरी थी एच एच यू यूनिवर्सिटी थी डुसेल डॉफ डोसिलो मैंने वहाँ भी ए आई में आई थिंक किया था डोसल काफ़ी बेहतरीन सिटी है वैसे अच्छा इसलिए मैंने उसमें किया था दूसरा था डी आई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें मैंने किया था ए लेकिन वो था ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्मार्ट सेंसर्स यानी कि वो हार्डवेयर टाइप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उनके लिए बनी है लेकिन मेरी थी इंजीनियरिंग में बी और मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसमें अप्लाई कर भी सकता हूँ नहीं क्या हो सकता है तो ऑन टू बी ऑन अ सेफर साइड आई जस्ट अपलाई इन दिस कोर्स और मैंने सोचा अगर किसी में नहीं होता इसमें हो जाता है तो ठीक है अच्छा इसका यह था कि इसकी जो डेड थी फिफ्टीन जुलाई थी लेकिन इसके लिए एक ना असेसमेंट टेस्ट थी असेसमेंट टेस्ट थी जो कि पेड़ थी लेकिन आई थिंक उसके लिए मैंने कोई सिक्सटी uh, डॉलर पे किए थे और बुक की थी टेस्ट जो कि एम थी एम टेस्ट थी लेकिन वो, वो यानी कि उसमें क्वेश्चंस मोस्टली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वाले थे मोस्टली और इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है मोस्टली uh, उसमें एम सी के क्वेश्चन जो मैंने कभी नहीं पढ़े तो मुझे उसका आइडिया नहीं था तो मोस्टली वो आई थिंक मेरे मोस्टली वो मैंने टेस्ट दिया भी था ये तो मोस्टली क्वेश्चन सही नहीं गए थे तो इसमें उस हिसाब से मेरी रिजेक्शन भी आई थी मैं बस इसमें बी एनो सेफर साइड अप्लाई कर दिया था तो मैंने कहा ठीक है और प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन आप वो सही थे मेरे इतना मुझे पता है लेकिन सारे सही करने से मतलब कुछ क्वेश्चन सही करने से तो अब वो नहीं देंगे उनकी क्राइटेरिया थी कुछ मिनिमम आस्को नहीं ले पाया चल और दूसरी यूनिवर्सिटी थी रैनवाल यूनिवर्सिटी थी लेकिन उसमें कोर्स जो है वो मेरी फील्ड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था लेकिन मैंने सोचा इसमें कर लेता हूँ ना कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग था शायद लेकिन आई थिंक क्रेडिट्स मैच नहीं कर रहे थे तो लेकिन मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया टू बी ऑन सेफर साइड ऐसे ही जो मेरे माइंड में या मेरे जो स्वभाव कुछ एक्सपीरियंस मैच कर रहा था अच्छा तो मैंने भी इस तरीके से इधर किया दार पे जाके सर्च किए कोर्सेज मुझे पता चला कि यार फाउ यूनिवर्सिटी है जो मुझे एआई का कोर्स दे रही है और फिर मैंने देखा कि चलो एआई का कोर्स दे रही है अब ये सिटी कौन सा है एलानगिन तो फिर मैंने देखा कि एल्लांग सिटी इट्स कैसा है जब मैं अप्लाई कर रहा था कि वाकई मैं जहाँ जा सकता हूँ या नहीं रहने के लिए ठीक है और जॉब मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती है अकोमोडेशन ईज़ीली मिल सकती है नहीं तो जब भी आप भी अप्लाई करो तो आपने जब कोर्स ये ए आए डाट पर सर्च किया आपको यूनिवर्सिटी जा गई तो यूनिवर्सिटी किस सिटी में है इस चीज़ को भी कंसिडर करना है और उस सिटी के नियर अराउंड कोई बड़ा सिटी है या वो खुद एक बड़ा सिटी है या नहीं है और उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बाकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं जो एज स्टूडेंट आपको काम में आएंगी ठीक है तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है और ये भी सर्च करना है और अगर आप चाहें तो फिर इस यूनिवर्सिटी की जो है ऐसे रैंकिंग भी निकाल सकते हैं लेट्स मैंने जैसे निकाली थी वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ आओ तो वो आ रही थी 196 इन वर्ल्ड लेकिन मेरे हिसाब से रैंकिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती अगर आपका टारगेट सिर्फ डिग्री लेना है तो जर्मन की मोस्टली हर यूनिवर्सिटी अच्छी है कोई इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आप रिसर्च साइड नहीं जाना चाहते अच्छा उसके साथ फिर काटबस थी अब मैंने देखा कि बी टी यू काटबस ब्रेंडनबर्ग टेक्नीशन यूनिवर्सिटी यहाँ भी मैंने ए आई के लिए अप्लाई किया था और फिर मैंने देखा कि ये किस सिटी में है तो वो था काटबस सेफ्टनबर्ग अब देखा कि काटबस में अकोमोडेशन के है पार्ट टाइम जॉब्स के है लैंग्वेज बेरियर ज्यादा है या नहीं है वैसे तो है लेकिन इन इन टर्म्स ऑफ और जॉब भी होता है इधर ना कि आपको जर्मन आनी चाहिए या फिर इंग्लिश तो वो भी चीज़ मैंने माइंड में रखी और फिर क्या उसके नियर अराउंड कोई बड़ा सिटी है खुद बड़ा सिटी है तो मैंने देखा बर्लिन उसके नज़दीक था बड़ा सिटी ड्रेसडन उसके नज़दीक था बड़ा सिटी तो मैंने कहा चलो ये एक पॉइंट बेनिफिट पे आ गई दूसरी पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे तो कॉटबस में मैंने सुना था कि मोस्टली यहाँ पर आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए तभी जाके और जॉब मिल सकती है अदरवाइज थोड़ा टफ़ होता है और आपको फिर और जॉब करने के लिए बर्लिन जाना पड़ता है जो कि डेढ़ सवा घंटे की दूरी पर था तो रोज़ या जब आप जॉब करते हो उसके लिए जाना मेरे लिए थोड़ा बहुत एक्टिक था तो इसको मैंने एडवांटेज नहीं लिया लेकिन इसको फ़िलहाल जो है न्यूट्रल पॉइंट पे रखा फिर देखा कि इसका एआई का कोर्स जो है वो यानी कि कैसा है खुद इट कैसा है कोर्स कैसा है स्टूडेंट्स ने किया है नहीं किया वो आजकल स्टूडेंट्स क्या करें उसकी कम्यूनिटी कहाँ है कितनी है तो मैंने देखा ये कोर्स अभी आया है इंग्लिश में ना जब मैंने अप्लाई किया इसी इंटेक में भी स्टार्ट हुआ है तो यह भी संभाव जो है थोड़ी बहुत न्यूट्रल पॉइंट थी मेरे लिए और फिर कम्युनिटी थोड़ी बहुत अच्छी थी वहाँ पे हमारी एशियन की पाकिस्तानी स्पेशली मस्जिद भी थी तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें फिर हमारे लिए जो है वो पॉजिटिव भी थी फिर आए न्यू पे अच्छा यहाँ ए आई किया जब मैंने इसकी रैंकिंग देखी तो इतनी खास थी नहीं और ये भी मैंने यूनिसेस्ट के थ्रू ही अप्लाई किया था पे किया था और बस ये था कि अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता तो फिर ये मेरी चॉइस होगी क्योंकि इसको फिर मैंने अपनी लिस्ट में लास्ट में रखा था अगर किसी में नहीं होती और अगर इसमें होती है तो चला जाऊँगा तो ये ये इट्ल्फ यूनिवर्सिटी इतनी ख़ास नहीं थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स चाहिए था तो जो दे भी रही थी मैंने कहा चलो कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ तो कोई मसला नहीं दूसरी थी डोसल ड्रॉफ की यूनिवर्सिटी उसमें भी एआई में किया था तो आई थिंक डोसेल ड्रफ तो इट्स बड़ा सिटी है तो मैं काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड था अगर हो जाती तो और इसको डायरेक्टली अप्लाई किया ये यूनिवर्सिटी थी तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्टली अपने पोर्टल से अप्लाई करने देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे तो ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी थी आपकी फाओ भी डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए उनका पोर्टल पर जाना पड़ता है अच्छा तो इस इसके लिए भी मैंने फिर डोसिलडोफ के अपनी वेबसाइट पे गया पोर्टल पे गया और एप्लीकेशन जो है वहाँ पे वो भी हम देखेंगे कैसे एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हो आप तो वहाँ से जो हमने फिर सबमिट की एप्लीकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी डेटा थी फर्स्ट यानी कि आपकी बेसिको आप, इन्फॉर्मेशन कोर्स डिग्री क्या की है डॉक्यूमेंट सारे मांगे वो अपलोड कर दिए और फिर जो एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी अच्छा और दूसरी यूनिवर्सिटी थी डी आई टी टेक्नोलॉजी अच्छा इसमें भी मैंने बताया कि ए एफ जो मैं सेंसर्स में किया था इसकी एक असेसमेंट टेस्ट थी और यह भी डायरेक्टली किया था अप्लाई अपने पोर्टल पे जाके ये इट सेल्फ यूनिवर्सिटी के कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले थे लेकिन ठीक थे तो मैंने कहा चलो इसको कंसिडर करते हैं अगर कहीं नहीं तो रेनवाल के लिए ऐसे था कि बस यूनसेस पे किया सर्च किया तो ये यूनिवर्सिटी आएगी तो मैंने कहा चलो इसको कर लेते हैं रेनवाल जो है बहुत साइड पे सिटी है तो मैंने कहा ये जो है आपका यूनिसेस के थ्रू ही एप्लीकेशन लेता है ना रेनवाल भी अच्छा अच्छा ये स्टेप था कि कोर्स सिलेक्शन कैसे की जाती है और हमने देखा कि हमने बैचलर को भी कंसिडर किया अपने एक्सपीरियंस को किया फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को भी किया और फिर जाके हम डे कोर्स को सर्च किया और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स देखी ओवरव्यू देखा कोर्स डिटेल देखी अफ कॉस्ट कितनी लग सकती है उस सिटी में रहने के लिए पर मंथ वो भी समा थोड़ा आइडिया ले लिया और फिर जो है हमने प्रोसेस देखा कैसे अप्लाई करना और फिर जाके हमने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना अच्छा दो चीज़ें एक तो यूनियसिस्ट के थ्रू अगर कोई एप्लीकेशन मांगती है तो फिर आपको यूनिसेस्ट पे जाना पड़ता है और सिंपली आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ठीक है अकाउंट मेरा पहले ही क्रिएटेड है तो सिंपली लॉग हो गया वन तो आप अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट क्रिएशन के बाद अच्छा अकाउंट जब क्रिएट करें तो अपनी डेटा जो है ना वो बिल्कुल ठीक देना जो इन्फॉर्मेशन हो फ लास्ट टाइम कोई फैंसी नेम एड नहीं, नहीं करना है उसके बाद आपको बस सिंपली यहाँ पे जाके कोर्स आ, सर्च करना है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करना बस सिंपली सर्च करना है लेट्स सी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है तो अच्छा ये यूनिवर्सिटी अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करा लिए बट इट्स फॉर द बैचलर्स अगर आपको और फिल्टर लगाने हैं तो टाइप ऑफ डिग्री में मास्टर्स चूज कर लें और फिर रिजल्ट देखें जैसे ऑक्शलो न्यूएल ये वही है यूनिवर्सिटी जो मैंने आपसे जिक्र किया यूनिसेस चुस के थ्रू अप्लाई किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स में और इस पर कोई जो है वो एडमिशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप इस, इसकी मतलब आप अनलिमिटेड आई थिंक सीट अप्लाई कर सकते हो इसमें बस इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना उनको फुलफ़िल करना होगा और दूसरी ये यूनिवर्सिटी है हॉक हॉफ यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है अच्छा ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम डाट पे जाके सर्च जब करेंगे तो हमें यूनिवर्सिटी ये भी मिल जाएगी लेकिन फिर वही कहेगी कि आप इसको यूनिसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो तो दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको फ्री वाली अगर आपको यूनिसेस पे जाके भी ऐसे कोर्स सर्च करेंगे ना तो आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी लेकिन ये यूनिवर्सिटी फिर आपको यूनिसेस्ट के थ्रू ही अप्लीकेशन लेंगी और फिर यहाँ पर आपको अकाउंट बना के पे करना पड़ेगा और फिर आपकी अप्लीकेशन जाती है यूनिसेस्ट कंसिडर करती है और फारवर्ड करती है तो मोस्टली आपकी यूनिसेस के थ्रू जो है ना एडमिशन मिलने के चांसेस सब आओ थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है तो ये भी एक चीज़ है और तो और दूसरा जैसे ये कोर्स है आपका डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन मास्टर ऑफ साइंस लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको इसमें जाना है तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को देखना है किस सिटी में है उस सिटी में जो आपको जो आपको यानी कि के एकोमोडेशन कैसी है और जॉब क्या है कैसी है मिल सकती है नहीं खुद बड़ा सिटी है उसके नियर अराउंड है या नहीं है ये सारी चीज़ें माइंड में रख के फिर इसको कंसिडर करें हमेशा अप्लाई के लिए और फिर ये जैसे पसाओ यूनिवर्सिटी है मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स भी जाते हैं ये वही कॉट बस है जिसमें मैंने अप्लाई किया था और ठीक है और बाकी आपको जो है यहाँ से कुछ फिल्टर वगैरह लगाने तो आपको नज़र आए तो ये वो यूनिवर्सिटी हैं जो अभी आपसे जो इस इंटेक में है ना समर में एप्लीकेशन लेंगे हाँ अगर अगर किसी की डेडलाइन चली गई है तो ये कह रही है तो दिस कोर्स ऑफ स्टडी करंटली नॉट ओपन फॉर एप्लीकेशन इन पसाओ तो आई थिंक यहाँ तो ये सिर्फ और सिर्फ विंटर के लिए है तभी जो है ना दिखा रहा है कि अभी अवेलेबल नहीं है जिसको जिसके पास नहीं लिखा वो जो है चूज़ कर सकते तो आपको करना क्या मान लो अपने इस कोर्स को जो है वो सिलेक्ट uh, करना है आपको इसमें अप्लाई करना है थ्रू द यूनिवर्स सेलेक्ट करना है अभी आपका कोर्स जो है सेलेक्ट हो चुका है ठीक है और इसकी चार्जेस क्या है सेवेंटी फाइव यूरो तो आपको फिर बस आ, जो है आ, चूज़ पेमेंट करनी है लेकिन उससे पहले पहले आपको ये कह रहा है कि एडिशनल एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने पड़ेंगे तो इसके आंसर्स आ, कुछ ये दिए गए हैं ठीक है तो आपको इनके कुछ आंसर देने हैं जैसे पीरियड ऑफ अटेंडेंस फ्रॉम मंथ टू तो ईयर स्कूल कब यानी कि आपसे ये यूनिवर्सिटी आप पूछ रहा है जो बैचलर करके आए हैं और इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन ऑफ स्कूल क्या है कंट्री क्या है सर्टिफिकेट अवार्ड क्या है आपको बैचलर की डिग्री मिली थी और लीव कब किया था आपकी डिग्री कब पूरी हुई थी और स्कूल टू में आप अपनी यानी कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है कि देखें स्कूल वन आपका मैट्रिक हो सकता है ठीक है इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो आप मैट्रिक की यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं आप पीरियड जो आपने अटेंडेंस किस मंथ से ईयर से लेके किस मंथ ईयर तक की है तो आई थिंक मैट्रिक है तो नाइन्थ और मेट्रिक दोनों मिला के आपको स्टार्ट यहाँ पे लिखनी पड़ती है ठीक है और उस स्कूल का नाम क्या है जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है ठीक है और यहाँ पे दूसरा स्कूल जो कि आपने फ़र्स्ट ईयर इंटर दोनों मिला के बताना है कि जो आपने इंटरमीडिएट किया है यहाँ से ना एज ए इंटरमीडिएट कौन सी डेट से किया है कौन से कंट्री से किया और नीचे ना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है हैव यू अ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम आन नॉट यस वो भी पास किया है तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम आपने लिखना है अगर आपके पास है और तो ये जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है लाइक मैंडेटरी फील्ड नहीं है अगर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस को स्किप कर देना है इसको लिखने की कोई नीड नहीं है स्टडीज आउटसाइड जर्मनी यस यू हैव डन दैट फर्स्ट यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन आपने जो बैचलर की है वो यहाँ पे लिखनी है लोकेशन कंट्री सब्जेक्ट एरिया क्या है आपका आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है सी एस की वो लिखनी है और बस ये जितनी की है जरूरी नहीं है सब फिल करनी है जो की है वो फिल करके और फिर यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चन हैं इट्स वो कर नहीं ये सार नो ये सारा रीड करके फिर ये सर नो करके जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपका पेमेंट का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा और फिर आप पेमेंट कर सकते हो अच्छा वंस यू आर डन विद योर पेमेंट वच यू हैव टू डू इज सिंपली आपके पास ये ऑप्शन तो नहीं आएगा सेवेंटी फाइव ये हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दी हुई है मान लो कि आपने पेमेंट कर दिए तो यहाँ पे आपके पास इन uh, एवोल्यूशन या कुछ स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा जैसे मेरा uh, ये कि अच्छा ये वो यूनिवर्सिटी था जब मैंने अप्लाई किया था थ्रू द यूनिवर्स जैसे रेनवाल हो गया इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या इस कोर्स में किया था अच्छा जिस जिस की पेमेंट की थी तो यहाँ से स्टेटस uh, आया था पेमेंट रिसीव्ड और यहाँ पे जो है ना वो स्टेटस आपका चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यूनिसेफ की अप्लीकेशन कंसिडर करती है तो उसका स्टेटस क्या है तो इन्होंने फोर टू सिक्स वीक्स लिए थे मेरे ज़्यादा टाइम नहीं लिया इन्होंने और इन्होंने जो है रेनवाल के लिए मुझे फाल्टी बता दिया था क्योंकि मैंने आपको बताया था नहीं कि एक रिक्वायरमेंट थी आ, फाल्टी होने के लिए जो मुझे फुलफ़िल करनी थी तो मैंने कहा चलें फिर इसको फुलफ़िल नहीं करते इसको छोड़ देते हैं और इसी तरीके से बाकी यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो ओके okay है जैसे ये है आपका बी टी बस का इसका ओके okay है नीचे आप आएंगे तो की यूनिवर्सिटी उसका भी ओके okay है दो यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैंने बाकी अप्लाई किया अच्छा अब आपने डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करना है एक दो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन यहाँ से मिल जाएगा दूसरा आप इन तीनों जिस जि, जितनी भी आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है सबके पास ना सब मतलब ये जितने कार्ड दिख रहे हैं ना आप ये एक पूरा कार्ड है ना तो इसमें आपके पास अपलोड माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होगा तो आपको सिंपली किसी की भी यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है वो जेनेरिक होता है सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है तो अच्छा अपलोड फिर कैसे करना है ये एक थोड़ा तरीका देखें मैंने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की नेमिंग की आप भी वैसा रखेंगे तो आई थिंक इनके लिए जो है वो इवाल्यूट करना बहुत आसान रहता है यूनिवर्सिटी के लिए जैसे मैंने लिखा है अगर अपलोड करें तो आयल्स डेस्को सर्टिफिकेट पासपोर्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बैचलर्स मैथेमेटिक कोर्स सिलेबस क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि वो भी मुझे देना है कि आपने बैचलर में मैथमेटिक्स के कौन कौन से कोर्सेज़ किए थे कौन कौन से सब्जेक्ट किए थे पास मैंने वो भी लिखे थे और ये कुछ आ, अदर में जो है अदर कैटेगरी में मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखे थे कोई पार्टिसिपेशन का था कोई विनिंग का था सर्टिफिकेट इस तरीके से आई ट्रिपल ई जैसे पार्टिसिपेशन का था तो अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो कोई इशू नहीं है ऑनटरप्रनोरशिप यहाँ बहुत सारे थे अच्छा जैसे प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफेशन अब ये आयल्स नहीं है आइल्स ऊपर दिया गया ये प्रो, प्रोफेशन सर्टिफिकेट जो मैंने कहा पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ही मिलता है तो मैंने वो अपलोड कर दिया था इन केस मतलब अगर यूनिवर्सिटी को ये कंसिडर करना पड़े तो भी कोई मसला नहीं लेटर ऑफ मोटिवेशन अंडर स्कोर कोर्स का नेम अंडर स्कोर यूनिवर्सिटी का नेम इस तरीके से नेमिंग आप बाकी की कर सकते हैं थीसिस uh, है तो थीसिस मैंने लिखा ट्रांसक्रिप्ट बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग सॉफ्ट इंजीनियरिंग तुमने ट्रांसक्रिप्ट दी मार्कशीट किसकी सेकेंडरी स्कूल की और फिर उसकी तरीके से मार्कशीट फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल की बैचलर की डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट सेकेंडरी स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट जो नेमिंग दी है इंटर्नशिप की है तो उसका सर्टिफिकेट और उसके साथ फिर सीवी अपलोड कैसे करने होते हैं अपलोड इस तरीके से करने होते हैं कि यहाँ से आपको अच्छा यहाँ से आपको कोई फ़ाइल चूज़ करना लेकिन यहाँ से आपको कैटेगरी भी चूज़ करनी है कि आपका आपका डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी में आता है सी वी डायरेक्ट लैंग्वेज सर्टिफिकेट जिसमें आपको टॉप फिल जी आर ई ऑफ इंग्लिश प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशेंसी वो सारे सर्टिफिकेट लैंग्वेज में आएंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन लेटर मोटिवेशन का अपना सेक्शन है पासपोर्ट का सेक्शन है स्कूल सर्टिफिकेट है स्टडी सर्टिफिकेट है जिसमें आपके पास जो है वो बैचलर के सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट आ सकती है आपके वर्क एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप का है या वर्क सैम्पल अगर आपके पास है तो वो भी आप दिखा सकते हैं या फिर अगर इनमें से कोई कैटेगरी नहीं तो जस्ट अदर्स करना है यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स आपने वो जो है वहाँ से चूज करना है और सिंपली अपलोड पे कर देना है तो आपका अपलोड हो जाएगा और ये जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे आप देख रहे हो सारे जेनेरिक इसमें से अगर कोई चीज़ चेंज हो सकती है या फिर जो दो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग हो सकती है वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन और वो लेटर ऑफ मोटिवेशन फिर मैंने उसको नेमिंग भी इस तरीके से किए कि उनको पता चले कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन है तो हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स के लिए अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन समाव थोड़ा चेंज करना पड़ता है ओवरऑल सेम रहता है तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी के थ्रू जब आपने एक बार अप्लाई कर दिया आप माय एप्लीकेशन ओवरव्यू में आएंगे तो आपका कुछ स्टेटस जो है ना यहाँ से तो पेमेंट रिसीव हो जाएगा लेकिन यहाँ से जो है स्टेटस इन इवाल्यूशन होगा फिर वो एवोल्यूशन से चेंज होगा अगर ओके okay है तो मतलब आप यूनिवर्सिस्ट ने आपकी एप्लीकेशन अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मेच कर लिए हैं उनको सारे मिल गए कोई आ, जो है वो मिस नहीं है अदरवाइज वो बोलती है यूनिसेस वाले के आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आपको मेल करना है या अपलोड करना है अदरवाइज अगर ओके okay आता है तो मतलब अब 99% चांसेस होते हैं कि अब आ, ये यूनिसिस्ट जब आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को फारवर्ड करेगी तो आपको जो है वो एडमिशन लेटर दिया जाएगा फ्रॉम फ्राम यूनिवर्सिटी यूनिसिस्ट आपको एडमिशन लेटर नहीं देती ठीक है वो आपको बस जो है आपके इवाल्यूएट करती है डॉक्यूमेंट्स और फिर यूनिवर्सिटी को सेंड करती है अच्छा दूसरा ये है कि यूनिस के थ्रू जब अप्लाई करते हो दो केसेस होते हैं एक केस ये होता है कि किसी यूनिवर्सिटी को Oh, किसी यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स uh, फिज़िकली चाहिए होता है इवन एडमिशन लेटर के लिए और किसी को जस्ट ऑनलाइन चाहिए होता है मान लो बी टी यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी है ठीक है अच्छा मुझे कैसे पता चले कि इसको डॉक्यूमेंट फिज़िकली चाहिए या नहीं चाहिए ताकि मैं यूनिवर्सिस्ट को डॉक्यूमेंट्स क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ने यूनिवर्सिस्ट को डॉक्यूमेंट्स भेज देते पर क्या यह ज़रूरी या नहीं ये करता है जिस में आपने अप्लाई किया है इनमें से किसी भी ने अगर यहां पे अगर पे ये देखे नहीं लिखा हुआ है 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 ठीक तो ये युणिवर्स्टी तो युणिवर्स्टी करता है। लेकिन ए, मेरे केस में तीनों में एक ही नोट था कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लेती है बिफोर द इनरोलमेंट आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने की फिजिकली जरूरत नहीं है ये आपके पी वाले फाइल ही कंसिडर कर दिए फॉर द एडमिशन जब एडमिशन आपकी मिल जाती है अब एडमिशन ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो उसके बाद जो आपको फॉर द एनरोलमेंट फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं और किसी को तो फिजिकली भी नहीं भेजने पड़ते आपको उनको भी फिर से यूनिवर्सिटी को दोबारा मेल करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट मेरे केस में जब बी में मैंने किया था तो पे जस्ट मैंने अपलोड किया डॉक्यूमेंट्स मैंने वेट किया फ़ोर टू तो सिक्स वीक्स तक यूनिसेस्ट से मुझे जो है वो रिस्पॉन्स आया कि हमने आपके वैल्यूट कर दी आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं अब यूनिवर्सिटी को हमने फारवर्ड कर दिए हैं और वो जो है विद इन फ्यू डेज आपको एडमिशन लेटर या जहाँ रिजेक्शन दोनों में से कुछ भी दे सकती है मोस्टली एडमिशन ही देती है अगर यहाँ से ओके है तो लेकिन वो अपने हिसाब से श्योरिटी नहीं देना चाहते आपको एडमिशन लेटर ही मिलेगा ठीक है यूनिसेज का काम वो है ही नहीं ना एडमिशन देना तो फिर जो है वो कुछ दिन लगते हैं यूनिवर्सिटी आपको जो है एडमिशन लेटर दे देती है लेकिन उससे उसके लिए जो है फिर आपको मेल आती है यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली और फिर वो उसमें आपको क्रीडेंशल्स देती है कि ये पोर्टल है हमारा यहाँ पे जाएं लॉगिन करें अकाउंट क्रिएट करें अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और फिर पोर्टल पे आपको फिर एक एडमिशन ऑफर आती है वो एक्सेप्ट करनी होती है जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है फॉर द इनरमेंट उस पर हम आएंगे लेकिन उससे पहले इस वाले जो पोर्शन में था कि यूनिवर्सिटी के थ्रू अच्छा किसी किसी यूनिवर्सिटी को ना वी चाहिए होता है वी ठीक है वी ये होता है कि जर्मन में कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो आपके ग्रेडिंग सिस्टम जो पाकिस्तानी को तो कंसिडर नहीं करते अपने को करते तो यूनिवर्सिस्ट क्या करता है आपके जो अकेडमिक डॉक्यूमेंट तो बेसिकली बैचलर की जो आपकी सी जी पी है थ्री पॉइंट फाइव हो गई थ्री पॉइंट सिक्स हो गई आउट ऑफ फोर वो पाकिस्तानी सी जी पी को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए इवाल्यूएट करती है और फिर जर्मन ग्रेड में चेंज करके एक पूरी रिपोर्ट बनाती है और वो VPD जो है आपको मेल कर देती है और इस इस पोर्टल पे भी इधर आपको दे देती है कि आपका VPD रहा अब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे थे उसके पोर्टल पे जाएं और वहाँ पे ये VPD अपलोड करना लाजमी है और वहाँ पे जाके VPD अपलोड कर दें या फिर यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल कर दें कि मैंने Uh, इस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फिल की थी मेरे पास तब वीपीटी नहीं थी अब मेरे पास वी आ गई है सो काइंडली कंसिडर करें ये मेरी एप्लीकेंट आईडी है जिस जब मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो मुझे ये एप्लीकेंट आईडी दी गई थी और जब आप अप्लाई करेंगे किसी पोर्टल यूनिवर्सिटी में तो आपको वो आई दी जाती है वो यूनिक होती है और उसी से ही आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है मोस्टली हर जगह यूनिवर्सिटी में जब आप मेल करते हो रिस्पॉन्स आता है तो तो वो भी एक वी पी आपसे आपको जो है यूनिसेस्ट के थ्रू मिलेगी अगर किसी यूनिवर्सिटी को चाहिए तो फिर आपको ना मतलब वो चाहती है हमारे पोर्टल पे ही आप अप्लाई करो लेकिन यूनिसेस्ट से हमें जो है ना वी चाहिए तो आपको फिर यूनिसेस्ट पे आना पड़ता है उसी यूनिवर्सिटी को सर्च करना पड़ता है और फिर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए भी 75 फ़ाइव यूरो है, जितनी फर्स्ट एप्लीकेशन होगी तो 75 फ़ाइव यूरो पे करना पड़ेगा और फिर आपको वी पी दिया जाएगा अगर मान लो आपने विंटर इनटेक में यूनिसेस पे अप्लाई किया किसी यूनिवर्सिटी में तो उसका वी पी डी आई थिंक वन ईयर के लिए वैलिड होता है और फिर उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है और फिर दोबारा आपको दोबारा यूनिसेस पे जाके अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो तो दोबारा वी पी डी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है अच्छा ये हो गया यूनिसट वी पी डी द्वार यूनिवर्सिटीज़ थ्रू द ये हो गया प्रोसेस अच्छा दूसरा प्रोसेस ये होता है अच्छा हमने अभी देखा कोर्स सेलेक्ट किया यूनिवर्सिटी को सर्च किया कैसे अप्लाई करते वो देखा डायरेक्ट यूनिसेस के थ्रू अच्छा यूनिसेस के थ्रू देख लिया वाट के अगर आप किसी के पोर्टल पे जाके जो है ना अप्लाई लेट से अगर फाओ यूनिवर्सिटी तो उसका अपना पोर्टल है के डॉट फाओ डॉट डी ठीक है वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे मैंने बना लिया है लेट से तो मैं लॉग इन ही करूँगा सिम्पली तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है यहाँ पे ठीक है और फिर जो है आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है अभी मैंने जो है ऐसे ही लास्ट टाइम एप्लीकेशन की डेटा फीड कर दी थी यानी कि एड रिक्वेस्ट करके आपने यहाँ से ये डेटा पूछेगा लेट से आपकी डिज़ायर डिग्री क्या है भाई मेरी मास्टर्स है तो फिर नीचे ऑप्शन आएगा डिज़ायर सब्जेक्ट क्या है यहाँ से आपको चूज़ करने में पड़ेगा जो ये डिज़ायर सब्जेक्ट फाओ ऑफर करती है और डिग्री प्रोग्राम क्या है भाई मेरा जो है एम अच्छा ये ये सेकंड वाला ऑप्शन है फॉर द पार्ट टाइम अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो फर्स्ट टाइम लेट से फुल टाइम है फिर तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम वाले को चूज़ कर लिया सब्जेक्ट आपका जब आप न्यू इंट्री करते हैं यहाँ पे बैचलर के बेसिस अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट सेमेस्टर चूज करना पड़ता है ठीक है और उसके बाद फिर नीचे और आती है कॉलेज टाइप ऑफ एडमिशन ये बाई डिफॉल्ट सेक्टेड आपको इसको कुछ नहीं करना है कंटिन्यू करना है आगे और डेटा आएगी वो फीड करनी है आप लेकिन जब आप वो एप्लीकेशन सारी फिल आउट कर देते हो तो आखिर में सबमिट का ऑप्शन आता है जब अच्छा सबमिट से पहले अगर आपने कहीं गलती की है किसी डेटा में तो आप एडिट कर सकते हो जैसे मुझे ऑप्शन दे रहा है एडिट एप्लीकेशन का अगर नहीं तो फिर मैंने सबमिट करना पड़ेगा और फिर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी यहाँ पे देखें इसकी डेडलाइन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है इस एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे ना रिक्वेस्ट स्टेटस इन प्रिपरेशन है अभी मैंने क्योंकि सबमिट किया जब सबमिट करूँगा यहाँ पे लिख के आएगा इट्स सबमिटेड और यहाँ पे जो है आपका स्टेटस चेंज होता जाएगा फर्स्ट स्टेप था आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी तो इन लाइक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड या सबमिटेड ठीक है सबमिटेड के बाद जो है जैसे ही यूनिवर्सिटी जब कंसीडर करेगी आफ्टर ट्वेंटी डेज या मे बी वन मंथ तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस या इन प्रोसेस ठीक है तो इसका मतलब अब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी ने देखना कंसिडर कर लिया कि अब आपके जो है डॉक्यूमेंट्स को इवाल्यूएट खुद करेगी फिर वो अगेन टाइम लेगा एक हफ्ता भी ले सकता है दो हफ्ता भी ले सकता है दस दिन या फिर बीस दिन भी ले सकता है डायरेक्टली ठीक है और फिर उस टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपको दोबारा बताएंगे कि आपको ऑफर एडमिशन दी जा सकती है नहीं अगर दी जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे ऑफ़र का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ऑफर दी गई है तो फिर आपको फिर वो ऑफ़र यहाँ से एक्सेप्ट करनी पड़ती है और फिर जो है आपको तो एडमिशन ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद जो आपको फिर इनमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है अब यहाँ तक अच्छा ये मोस्टली ऐसा पोर्टल मोस्टली बाकी यूनिवर्सिटीज़ का ही भी ऐसा ही होता है जैसे ये फाउक है बस उनकी अपनी संभाव टाइटल होंगे अपना जो है डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं अपने कोर्सेज़ हो सकते हैं जो चूज़ करने हैं ओवरऑल प्रोसेस सेम होता है पोर्टल पे जाना है डेटा फीड करनी है एप्लीकेशन को सबमिट करना है एंड देन यू हैव टू वेट जब वो प्रोसेस करें एप्लीकेशन अच्छा यहाँ तक हमने देखा कि हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर दिया कोर्स सिलेक्शन भी कर लिया डार्ट पे जाके सर्च भी कर लिया यूनिवर्सिस्ट को भी देख लिया और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भी देख लिया अप्लाई कर लिया अब जो है हमारे पास एडमिशन लेटर समझे आ गया रिसीव हो गया अब क्या प्रोसेस है जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है तो देन यू हैव टू गो फॉर ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग जस्ट ओपन करना है पैसे बेशक आप उस दिन ना सेंड करें ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग से आपने जो है हेल्थ इंश्योरेंस को कंसीडर करना है कि जब आप ब्लॉक अकाउंट जाके कोरेकल फिन्टबा किसी से भी ओपन करवाएंगे तो यानी कि अकाउंट क्रिएट करेंगे और जब आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन हो जाएगा विद इन 24 आवर आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स थ्रू दी ई मेल आपको रिसीव होंगे हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेवल इंश्योरेंस का तो वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस होना लाजमी अच्छा जब आप ब्लॉक अकाउंट क्रिएट करते हो फेंटा बैंक कॉरेकल पर तो आप उनको यूनिवर्सिटी का अपनी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी देते हो जिस यूनिवर्सिटी का आपने एडमिशन लेटर लिया हुआ है अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने फाओ का एडमिशन लेटर नहीं फाओ बी टी ऊ का एडमिशन लेटर बी टी कोटबस का एडमिशन लेटर हमारे पास आ गया है हमने कोरेकल को चूज़ किया है एक मिनट हमने जो है बी टी कॉडबस का एडमिशन लेटर ले लिया है कोरेकल पे ब्लॉक अकाउंट क्रिएटेड क्रिएट कर लिया है जब आप ब्लॉक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एडमिशन लेटर होना लाजमी है जब आप बी टी यू यूनिवर्सिटी का ब्लॉक एडमिशन लेटर कोरेकल पे अकाउंट क्रिएशन के वक्त अपलोड करते हैं तो फिर क्या होता है कि क्रैकल वाले बी को बीटी यू बस वाली जो यूनिवर्सिटी उसको हेल्थ इंश्योरेंस नंबर जो है हेल्थ इंश्योरेंस नंबर आपके लिए जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देती है उससे क्या होता है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी को एडमिशन आने के बाद इंटर करते हो पोर्टल पे जाके तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब अब आपको जो है इंरोलमेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपको इस तरीके से ही मिलेगी जब आप अपना एडमिशन लेटर देंगे को वाले आपका इंश्योरेंस नंबर जो है वो यूनिवर्सिटी को रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को सेंड कर देती है और यूनिवर्सिटी वाले आपके ही पोर्टल पे डेटाबेस पे जाके आपके ही यानी कि इंफॉर्मेशन में इंश्योरेंस नंबर अपडेट कर देती है जब आप इंरोल करते हैं तो फिर जो है आपका एक ऑप्शन होता है हेल्थ इंश्योरेंस का और उस ऑप्शन में वो हेल्थ इंश्योरेंस नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है आपको ऐड करने की नीड नहीं है अच्छा अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है कहती है कि वंस यू आर डन विद इंरोलमेंट ऑनलाइन देन यू हैव टू डाउनलोड द इनरोलमेंट फॉर्म एट एंड एंड देन यू हैव टू साइन इट डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो या देन यू हैव टू प्रिंट इट देन अगेन यू यू हैव हैव टू टू साइन देन

इनोलमेंट फॉर्म पे ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो इनरोल आपको करे वो लिखे होते हैं अच्छा इनमेंट के लिए ना आपको फीस भी पे करनी पड़ती है यू हैव टू मेक श्योर दैट जब आप इनरोलमेंट के लिए जाते हैं तो उसके पोर्टल पे होता है कि आपको सेमेस्टर टिकट जो है बेसिकली सेमेस्टर चार्जेस किसी यूनिवर्सिटी की तीन सौ इक्यावन यूरो होती है तो किसी की जो है एक सौ सत्रह यूरो होती है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू तो यूनिवर्सिटी मान लो बी टी कोट तो उस केस में थ्री तीन सौ इक्यावन यूरोज़ की जो थी वो एनरोलमेंट की फीस थी वो हमने पे की अब 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 क्या है फॉर द इनरोलमेंट आपको साइंड एनरोलमेंट चाहिए सीवी चाहिए और पेड जो है वो एनरोलमेंट रिसिप्ट चाहिए आपको ठीक है जो आपने पे किया है उसकी कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको पासपोर्ट उसको देना पड़ेगा और आपको फ़ोटो भेजना पड़ेगा अपना पासपोर्ट साइज आपको सारे अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स फिर भेजने पड़ेंगे पीडीएफ में आ, सीवी वी पासपोर्ट फ़ोटो इनरोमेंट सेंड और आपको एडमिशन लेटर जो है दोबारा फिर से यूनिवर्सिटी को मेल करना पड़ेगा मेल करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को उनकी वेबसाइट ई मेल आई होती है उसकी मेल आई डी पे आपको सारे भेजने होंगे फॉर द इनरोमेंट प्रोसेस अच्छा किसी किसी यूनिवर्सिटी को अच्छा एक किसी किसी यूनिवर्सिटी को ना कुछ आ, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ये हो सकते हैं एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है उसको फिल आउट या सिग्नेचर साइन sign करना पड़ता है और देन यू हैव टू मेल अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स डॉमेंट्स द यूनिवर्सिटी एज वेल ठीक है और एक दो तो डॉक्यूमेंट्स अगर हों तो वो भी डाउनलोड करके आपको फिर यूनिवर्सिटी को मेल करने पड़ते हैं उसके साथ साथ कभी यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है कि आपको अभी वीज़ा भी देनी है जब आपकी वीज़ा लग जाए पासपोर्ट अभी तो खाली पासपोर्ट होगा वीज़ा वीज़ा भी देनी है फॉर द इनरोमेंट Uh, वो रिक्वायर्ड है फॉर द इनरोमेंट ठीक है किसी किसी यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है तो अब वो कैसे लिया जाए फिर यूनिवर्सिटी को बता दो कि आपने जो है uh, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है एंड uh, वो थोड़ा टाइम लेगी जब आ जाएगी दन वो आप जो है उसको दोबारा वीज़ा मेल कर सकते हो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जस्ट जस यूनिवर्सिटी कहती है एट द फर्स्ट लेकिन फिर वो उस पर ज़्यादा जो है ना वो उसको मैंडेटरी नहीं समझती बस आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना उसको समझती है जब वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही रिसीव कर चुकी होती हो तो बस आपको यूनिवर्सिटी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और फिर वो फिर भी जो ना आपको इन कर देती है यूनिवर्सिटी फिर आपके पोर्टल पे जो है ना स्टेटस चेंज हो जाता है इनरोल्ड ठीक है या अप्लाइड फॉर एंड देन इनरोल्ड आ जाता है स्टेटस चेंज हो जाता है तब तब भी आपको पता चल जाता है फिर आपको जब एक बार इन हो जाते हैं तो आपको मज़ी जो है ना क्रेडेंशियल्स uh, एक्सेस मिलती है यूनिवर्सिटी uh, के डिफरेंट यानी कि और पोर्टल्स की या और मोर जो है आपकी जो है ना चीज़ों की ठीक है फिर वो आपको सारी यूनिवर्सिटी है, हैंडल ख़ुद करती है मेल करती है रिस्पॉन्स करती है अच्छा जब आपने एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया अब अब अगर किसी यूनिवर्सिटी को वीज़ा चाहिए तो वो मोस्टली पहले कहती है लेकिन वो मांगती नहीं है तो आपको बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं अब आपको वेट करना है कि यूनिवर्सिटी कब जो एनरोल करती है लेकिन जब आपके पास एडमिशन लेटर हाथ में होना हो अगर आप कराची से हो और आपके पास यहाँ आपकी कराची एम्बेसी अगर आपकी आपका वीज़ा इंटरव्यू कराची एम्बेसी में होना है तो जब आपके पास एडमिशन लेटर हाथ में आ जाए यानी कि यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दे दिया है और उसके बाद अभी अपने ब्लॉक अकाउंट भी नहीं खुलवाया इनोलमेंट नहीं करवाया तब आपने जो है आ, मैं मैं सजेस्ट करूँगा कि तभी जो है ना आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना है ठीक है ऑनलाइन उनके आ, एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके ठीक है और अगर आप इतने श्योर हो के लेट्स से यूनिसेस के थ्रू अप्लाई किया यूनिसेस ने आपकी इवेल्यूएट कर ली आपका स्टेटस वहाँ पे आ गया ओके मतलब अब जो ये 99 नाइन परसेंट चार्स आपको वीज़ा मिल जाए एडमिशन लेटर मिल जाएगा देन तब भी आप जो है ना वो अपॉइंटमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आई थिंक उससे पहले करना फजूल होगा अगर आप 100 परसेंट कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक महीना तो अपॉइंटमेंट मिल लगने में मिल जाएगा तो उससे पहले पहले मेरे पास एडमिशन लेटर हाथ में होगा अगर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना तो आई थिंक दैट वुड बी रियली बेटर के यू शुड वेट फॉर द एडमिशन लेटर रादर देन यू यू हैव टू अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट एंड देन यू हैव टू कैंसिल जब आपका इंटरव्यू हो रहा है और उससे दो तीन दिन पहले तक आप अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं आता इन केस तो अगर आपको वो कैंसिल करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट आई थिंक वो वो इतना फीस मतलब मैं कहूँगा कि इतना जो है वो किसी की अपॉइंटमेंट ना लें अब तो बेटर है आपको बस वेट करना है कोई मसला नहीं मिल जाती है सारी चीज़ें ठीक है तो आपने अपॉइंटमेंट ले ली अब अपॉइंटमेंट का एक महीने का प्रोसेस है अब उस प्रोसेस में आपने एडमिशन लेटर पे इंरोलमेंट के लिए अप्लाई करना है ब्लॉक अकाउंट खोलना है और इनोलमेंट uh, के लिए जस्ट अप्लाई करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं जो कि वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए वो आपको एमबेसी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं कि एमबेसी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें आपके पास उनकी एमबेसी पे कुछ खुद के भी फॉर्म्स हैं जो डाउनलोड करने हैं उनको फिल करना है और उनको साइन करना है प्रिंट निकलवा के पेन से कर देना है सिग्नेचर कर देना है डेट लिखनी है और बाकी कुछ फॉर्म्स में डेटा फीड करनी है अपनी ये वीज़ा फॉर्म है और उसके साथ साथ आपका वो जो मांगती है डॉक्यूमेंट्स वो आपके एडमिशन लेटर हो गया आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो हो गए और जो आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वो सारे प्लस में लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो फिर आपको एमबेसी के लिए ही थोड़ा बहुत स्पेसिफाई करना पड़ता है आ, जिसमें जो आपने यूनिवर्सिटी को दिया अगर मैं कहूँगा उसको थोड़ा प्रिसाइज भी करके लेके जाएं फॉर द एमबेसी फिर भी ठीक रहेगा ठीक है और यानी कि ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है सीक्वेंस में लेके जानी है जिस सीक्वेंस में वो अपनी एमबेसी की वेबसाइट पे लिख रहा है अच्छा अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो आपको पहले तो दो सेट लेके जाने हैं ठीक है दो फोटो कापी के सेट प्लस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेपरेट फाइल में भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी सीक्वेंस में लेके जाने हैं जिस सीक्वेंस में वेबसाइट की एमबेसी की वेबसाइट पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट ठीक है अब आपके पास तीन सेट हो गए ओरिजिनल आपके पास दो फोटो कापी सेट एच से की सिर्फ डिग्री ट्रांसक्रिप्ट ही टेस्ट करवानी है सी से बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने की जरूरत कहीं से भी नहीं है जैसे ओरिजिनल है वैसे लेके जाने हैं एम्बेसी में कोई जरूरत नहीं है अच्छा इससे पहले एक और पॉइंट रख लेता हूँ जब आप किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर एक्सेप्ट करते हैं उनके इनरोलमेंट के लिए अगर उसको ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो भेज देना अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि मुझे ईमेल के थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स भेजें और साथ साथ मुझे पोस्ट भी कर दें फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स मेल भी कर दें तो आपको फिर डी आपके नज़दीक होगा या ले कोई भी सर्विस डोनर फॉर्म पर लिखा होगा दैट यू हैव टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाइड नहीं है आपकी एचईसी से अटेस्टेड है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होने दो प्लस में आपके जो बाकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है आईएच का सर्टिफिकेट नहीं लेटर ऑफ मोटिवेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सीवी इनको नोटराइज कराने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको नोटराइज कराने हैं अपने और फिर वो यूनिवर्सिटी को पोस्ट कर देने फॉर द इरोमेंट प्रोसेस मेल भी कर दिया है आपने पोस्ट भी कर दिया है वो तकरीबन तीन हफ्ते अराउंड मैक्सिमम टाइम लेगा और आपकी जो है वो डायरेक्ट आपको खाली मेल करने होते डॉक्यूमेंट या फिर मेल प्लस में फिजिकली भेजने होते जब आपने ब्लॉक अकाउंट क्रिएट कर लिया और अब आपने जो है वो अ, अ, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया है तो उससे पहले एक महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखे हैं कि मुझे ये ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसी सीक्वेंस में दो सेट कॉपीज के एक ओरिजिनल सेट तीन सेट आपको सेट रेडी करने हैं अच्छा उसके उसमें आपको ब्लॉक अपना अकाउंट जिस बैंक में है अगर आप जॉब करते हैं आपका अपना अकाउंट है और ब्लॉक अकाउंट की डिटेल्स के साथ आपकी आ, एक्सपेंस ब्रेकडाउन शीट होगी कि जिस सिटी में जा रहे हैं आप वहाँ पे आपके एक महीने का खर्चा कितना है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाता है आपको आपका सीएनआईसी आपको एडमिशन लेटर आपको लेटर वो आपको दें है उसका नाम सारी चीजें वगैरह लिखते हैं वो इशू नहीं करते बस वो अपनी डेटा फीड करके आपसे ये वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग के और कहते हैं कि यूरो का रेट ये चल रहा है अगर आप लेना चाहें तो इसको हम ब्लॉक करा दें फिर आपसे वो पूछता है वंस यू कन्फर्म दैट फिर आपसे ब्लॉक अकाउंट चेक बुक पर उतनी कीमत जो एक बनती होगी पी के आर में वो लिखेंगे आपसे सिग्नेचर करवाएंगे एंड देन अगर आपके अकाउंट में होंगे तो वो काट के विदिन अ ट्वेंटी फोर आवर्स आपके उन कोरेकल या फिंटबा को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर कोरेकल दूसरे ट्वेंटी फोर आवर्स में लाइक अराउंड टू डेज में आपको और ये ब्लॉक अकाउंट क्योंकि आप प्रोसेस है उसके थ्रू जब अकाउंट बनता है उनको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए जो पैसे दे रहा है आपको उनकी बैंक डिटेल्स ये वो सब कुछ सही है तो कोरेकल वाले जो है वो दूसरे बंदे का ब्लॉक अकाउंट के नाम से बेनिफिशरी के नाम से बनाते हैं एंड देन यू हैव टू प्रूफ इन द बैंक दैट दिस इज़ वेरी लेजिट कोई तो ठीक है काम हो जाता है वरना उसको समझाना पड़ता है अगर कोई बैंक ब्रांच जिसमें आपका अकाउंट बनाया वो अगर नहीं करके तो तो दे रही ट्रांसफर तो देन यू है मैन ऑफिस हैड ऑफ़िस जरूर होगी आपके सिटी आता है सारे स्टूडेंट्स कराते हैं उनको सब पता है और वो फिर जो है प्रोसेस करेंगे और ऑफली वो सेंड कर देंगे तो ये यानी कि आपका जो टोटल प्रोसेस है ब्लॉक अकाउंट का माल का प्रोसेस किया है अभी जो आपके पास ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू डेज है तो उसमें आपने सारी चीज़ें हैं वो रेडी करनी है यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू और इंटरव्यू इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता कन्फर्मेशन ज़रूर लेके वो कभी भी मिस नहीं करना वो तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है ठीक है और ठीक है फिर इंटरव्यू पे जाना है एंड दैन वो आपसे कुछ सवाल करेंगे वाय दिस कोर्स वाय दिस यूनिवर्सिटी योर फ्यूचर प्लान बट विल यू विल यू कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री और नॉट सो इनके आई होप के आपको इनके आंसर्स न्यूट्रली uh, पता हैं कि कैसे देने हैं अदरवाइज uh, आप जो है फेसबुक uh, के पे ग्रुप में ही आपको फाइल्स वाले सेक्शंस में जो है ना इंटरव्यू के सिंपल क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ से जाके आप उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं और और आपको भी कॉन्फिडेंट होना है इंटरव्यू के वक्त कोई मसला नहीं वो वो प्रेशराइज़ आपको इसीलिए करते हैं कि देखते हैं आप कन्फ्यूज़ होते हैं या नहीं होते तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बहुत बहुत कैजुअल होना है और भी कॉन्फिडेंट हो इंटरव्यू देना है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपसे फ़ीस लेगा आपको आखिर में एक रिसिप्ट देगा और कहे गए कि इस पर आपका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है अब आपको फोर वीक्स से पहले पहले आप, आप आपको हम आपको हमसे कोई भी अपडेट नहीं मिल सकती आफ्टर द फोर वीक्स यू टू विजिट द एम्बेसी अगर आपका वीज़ा रेडी है तो आपको मिल जाएगा पासपोर्ट रेडी है तो आपको मिल जाएगा तो अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है तो फिफ्टीन डेज़ के बाद आपको बी को मेल करना है और उसमें अपडेट अपडेट लेना है कि आपका जो वीज़ा स्टेटस क्या है आपकी एप्लीकेशन का और उसमें रेफरेंस नंबर मेंशन करना सबसे में है कि उसको पता चले कि कौन सा रेफरेंस है उसके पास वीज़ा के लिए केस आया है एंड देन वो आपको अपडेट कर देंगे वीक के अंदर विद इन अ वीक तो मतलब फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू डेज तक अगर आपका वीज़ा प्रोसेस हो चुका है समाओ एम्बेसी से जा चुका है केस आपका या जर्मन में आ चुका है इमिग्रेशन ऑफिस में तो बीवी आपको अपडेट कर देगी कि, कि क्या आपका वीज़ा का स्टेटस है इन प्रोग्रेस है इन uh, प्रोसेस है या फिर आपकी जस्ट डिजिटल एप्लीकेशन अभी रिसीव हुई है और बाकी डॉक्यूमेंट फिज़िकली नहीं आए या फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है दैन यू हैव टू विजिट द एम्बेसी एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट वीज़ा या फिर कहेंगे कि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको एम्बेसी दे सकती है इन देट कैट्स यू द एम्बेसी एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट लेकिन तब जब कलेक्ट करने जाएं तो आ, अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपकी इंटरव्यू के वक्त उन्होंने ले ली होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस नंबर जिस रिसिप्ट लिखा था वो लेके जाना है एंड यू हैलेक्ट इट अच्छा यहाँ तक कि आपने अपॉइंटमेंट ले ली इंटरव्यू हो गया और बीवी को मोस्ट ऑफ द केस 95% आपका ये होता है कि वो एट वीक्स भी ले सकता है ठीक है इतने टाइम पीरियड के बाद जब आपके पास वीजा आती है तो उसके बाद स्टार्टिंग डेट होती है कि आप कब जो है वो जा सकते हो तो फिर आप जर्मनी आ सकते हो अच्छा आ, अब जिस सिटी में आपने अप्लाई किया है आ, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो सिटी में आपको फिर अकोमोडेशन जो है वो एटलीस्ट वन और टू मंथ पहले देखने स्टार्ट करनी होती है कि सिटी में मुझे अकोमोडेशन चाहिए तो फिर वो आपको या तो सीनियर्स के थ्रू रेफरेंस में पता चल सकता है कि यार मैं अराउंड इस मंथ में आऊँगा मुझे अकोमोडेशन चाहिए थोड़ा गाइड करें मिलेगी कब मिल सकती है आपके थ्रू या नहीं मोस्टली आपको सीनियर्स के थ्रू उस सिटी में उस यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ के स्टूडेंट आपको हेल्प कर सकते हैं वहाँ की आपकी एक कम्यूनिटी होगी स्टूडेंट एसोसिएशन होगी वहाँ का कोई होगा आपका प्रेजिडेंट वग़ैरह जो होगे वो आपकी हेल्प कर देंगे ठीक है या फिर आपको कुछ एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे जाके आपको देखना है लेकिन वहाँ पे मोस्टली आपको स्कैमर मिलेंगे 80 टू 90 परसेंट आपको स्कैमर मिलेंगे वो बोलेंगे कि हाँ ये है हम आपको देंगे देन आपको जो है ना अब uh, कुछ डॉक्यूमेंटेशन uh, चाहिए हमें करने के लिए एंड फॉर दैट यू हैव टू पे द डिपॉजिट फीस ऑफ 100 हंड्रेड यूरो बिफोर यू यू नो अराइव हेयर बिफोर यू मेक फर्दर कॉन्ट्रैक्ट तो वो आपसे डिपॉजिट मांगते हैं एडवांस में 100 यूरो तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो वाले बंदे आपको स्कैमर मिलेंगे यू डोंट हैव टू पे बिफोर यू विजिट द यू नो अपार्टमेंट रूम स्टूडियो यू आर लुकिंग फॉर उससे पहले आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देने उनको उनको बस इग्नोर कर देना कोई मसला नहीं कोई और देख लेना आपने अदरवाइज सीनियर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं अच्छा ये था आपका बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस के आपको मास्टर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए कहाँ कहाँ से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो सर्च कर सकते हो प्रोसेस लेकिन एट दी एंड जो है ना कुछ चीज़ें ये हैं है। मतलब जर्मनी में आ गए हो आपको किसी यूनिवर्सिटी में जो ऑफर हो गई आपको एडमिशन मिल गई आप यहाँ पे आ गए आप इंटरल हो चुके हो पढ़ रहे हो आपने एक सेमेस्टर दिया आपको समझ नहीं आती वो डिग्री कहते नहीं अब ये जो है ना वो मेरी लेवल की नहीं है या तो मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है या फिर थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसको टाइम लगा ना या फिर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगानी पड़ रही हैं जबकि मेरा मास्टर्स के बाद कोई पीएचडी का इरादा नहीं है कि मैं उसमें कोई स्किल्स अपनी जो है वो मास्टर्स को इतना ज़्यादा सीरियस लूँ आपको जस्ट अगर डिग्री चाहिए सम अच्छे स्कोर से और आपको जस्ट मास्टर्स ही कंप्लीट करनी है इन योर फील्ड एंड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को रखते हुए तो आप जब यहाँ पे होते जर्मनी में तो देन यू कैन चेंज अर स्विच टू तो एन अदर यूनिवर्सिटी अदर प्रोग्राम एज वेल तो भी आपके पास एक ऑप्शन है चलें ये अभी हमने कंसिडर कर लिया कि आप फिर भी यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो यूनिवर्सिटी अच्छा दूसरी चीज़ हो सकती है जो मेरे साथ हो चुकी है वो टेफ कि आपके पास बी टी ओ कॉड बस यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्स पहले आया एडमिशन का और आप नहीं चाहते कि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्स का वेट करूँ हो सकता है वो रिजेक्शन दे दें एंड इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अब इस यूनिवर्सिटी के साथ जो है ना वो प्रोसीड होना है इसके साथ मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है इसके साथ मुझे वीज़ा इंटरव्यू देना है तो इन दैट केस आपको क्या है मेरा केस ये था कि मैंने बी टी की यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मेरे पास आ गया था मैंने उसको इनमेंट के लिए फ़ीस भी पे कर दी थी सब कुछ हो गया तो मेरा इंटरव्यू भी हो गया और इंटरव्यू uh, मेरे बी टी के डॉक्यूमेंट्स पर हुआ इंटरव्यू से ना दो दिन पहले ही जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू था फ़ाओ की यूनिवर्सिटी से मुझे एडमिशन लेटर आ चुका था अब मैंने ये सोचा कि फाओ का आ चुका है आई एम वेल प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेस ऑफ बी टू कॉल बस अब मैं सोच रहा था मैं फ़ाओ के एडमिशन लेटर को लेके अगर इंटरव्यू के भी जाता हूँ और कहते हैं इनमेंट दिखाओ इनमेंट तो मेरे पास ही नहीं बोले कन्फर्मेशन दिखाओ अगर पेमेंट की वो भी मैंने नहीं की थी फॉर द इनरोलमेंट जब को पे करना पड़ता सेमेस्टर टिकट इनमेंट फीस पे करनी पड़ती है फ़ाओ में दो दिन में मैंने नहीं किया तो मैंने कहा वो भी मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मेरा केस जो वो थोड़ा वीक है तो मैंने बेटी कॉर्डबस के डॉक्यूमेंट्स पर जाके इंटरव्यू दिया था सारा प्रोसेस और फिर जो है अच्छा मैं अभी बेटी कॉडबस में लीगली इनल नहीं हुआ क्योंकि उनको वीज़ा चाहिए था जो उन्होंने मुझसे मांगी थी तो फिर जो है ना मैं फाओ यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स फॉर द इनरोलमेंट भेज दिए मैंने कहा मुझे इसमें इनरोलमेंट करा देना है अब उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए था इनलमेंट के लिए अब एक इंश्योरेंस में कोरेकल से ले चुका था अब अगर मैं कोरेकल से इंश्योरेंस कराता हूँ शिफ्ट दूसरे एडमिशन लेटर पर तो मेरे माइंड में यह था कि अगर मैंने कोरेकल को एडमिशन लेटर अब फाओ का दिया कि इस लेटर को कंसिडर करें और मेरी इंश्योरेंस शिफ्ट करें वो कर तो देते हैं लेकिन मेरा अभी वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है अगर मैंने ये किया और अगर मेरी वीज़ा इस हिसाब से रुक गई नहीं हुई रिजेक्ट हो गई तो मसला है फिर मैंने दूसरी जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस को चूज़ किया सेपरेटली उससे मैंने इंश्योरेंस ली ऑन द बेसिस ऑफ ये यूनिवर्सिटी को भी भेजे फिजिकली मेरी इनमेंट मेरी इनमेंट तकरीबन मैंने 9 सितंबर को 9 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और मेरी इनमेंट हुई थी टेंथ ऑफ अक्टूबर को मैंने इनलमेंट हुई थी और टेंथ ऑफ अक्टूबर को ही मेरी वीज़ा भी लग के आई थी ऑन ऑन द बेसिस ऑफ बी टी यू के डॉक्यूमेंट्स ठीक है अब फिर जो है अच्छा टेंथ अक्टूबर को सडनली जो है बी टी यू ने भी मुझे इनरोलमेंट कर दिया तीनों चीज़ें एक दिन पे अब बी टी यू में मुझे इनरोलमेंट कराना नहीं है तो फिर मैंने क्या किया उसकी डी करा दी इधर ही बैठे बैठे क्योंकि मैंने ना तो क्लासेस लिए ना तो मेरे पास कार्ड था यूनिवर्सिटी का उन्होंने इनमेंट का फर्स्ट प्रोसेस कर दिया था तो मैंने वो इनमेंट कैंसिल करा दी और फाव के साथ मैंने प्रोसीड कर दिया ए आई कोर्स के साथ तो ये केस भी होता है तो इन का जो है ना प्रोसेस चल रहा है अब आपको जो है ना दूसरी यूनिवर्सिटी में इनमेंट कराना है तो फिर जिस तरीके से मैंने बताया आप ऐसा कर सकते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन आपको एट ए टाइम एक ही यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जब आप जर्मन में आते हो

नॉर्मली यहाँ के अकाउंट में बैंक में भेज देगी और फिर वो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो तो ये था पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या अगर कोई एक्सेप्शनल केस आए तो उसको कैसे हैंडल करना है और बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है ना हमने कंसिडर किए काफ़ी टाइम भी गया इस स्ट्रीम को और, और क्या बचता है Recept, सब कुछ हो गया um, अगर, आई uh, थिंक सब पॉइंट के लिए हाँ एक दूसरी चीज में ऐड कर सकता हूँ अगर और आपका मास्टर uh, सिर्फ मोटिव ये है कि हमें यहाँ पे आना है स्टडी वीजा पे एंड देन वी वुड हैव टू इयर्स एंड इन दैट एक तो मास्टर्स हो जाएगी और फिर हम जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे और दी है ना आपका गोल सिर्फ जॉब करना है आपको मास्टर से मास्टर से कोई लेना देना खास नहीं है तो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड मैक्सिमम आपका अच्छा खासा जो है वो छः सात आठ साल भी बहुत बहुत डिसेंट है ठीक है मिनिमम आपका तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेशनली इन इन इंडस्ट्री इन अंपनी वेर आर वर्किंग इन अ पाकिस्तान और तीन साल के बाद आ, एक यहाँ एजेंसी है मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ Uh, कौन सी हो सकती है yes. यस वाली जो है एक है एक एजेंसी पे यस uh, yes. तो तीन साल का एक्सपीरियंस ये एजेंसी मांगती है मिनिमम आपको इनके पोर्टल पे जाना है अकाउंट क्रिएट करना है इनका एक uh, एक तो वीडियो है इंट्रोडक्टिव वीडियो है बिफोर यू अप्लाई वो आपको देखना है थर्टी मिनट्स का होगा अराउंड वो 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 आपसे अपॉइंटमेंट यानी कि जो आप यहाँ पर आके इस वेबसाइट पे के अकाउंट क्रिएट कर कर देते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इधर ही शेड्यूल करानी पड़ती है ऑन 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 योर लाइक जो आपको दिन uh, जिस दिन आप फ्री हो, उस दिन आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है बट यहाँ पे इनके कुछ दिन जो है वो अलॉट होंगे कि हफ्ते के ये दिन हम फ्री हैं और इस हफ़्ते के दिन आप जो है अपॉइंटमेंट इस टाइम तक बुक कर सकते अच्छा कर ली गेट टू तो नो एक अपॉइंटमेंट आपने बुक कर ली जिसमें ये आपको उस दिन व्हाट्सएप पे 15 मिनट की कॉल करेंगे गेट टू तो नो सेशन में आपसे पूछेंगे एक्सपीरियंस क्या है कहाँ काम किया है क्वालिफिकेशन किया है जब आप उसमें जो है उनको रिस्पॉन्स उनके अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर वो आपकी सी को कंसिडर करते हैं अगर आपकी एज ट्वेंटी एट ईयर से कम है तो ये इनके पास एक यंग प्रोग्राम है जो हंड्रेड यूरो आपसे चार्जेस लेते हैं एंड देन दे अप्लाई ऑन बिफ ऑफ यू इन जर्मन कंपनीज आपके इंटरव्यू स्केजल कराते हैं एंड दे विल लेट यू नो दैट ऑन विच डेट यू हैव टू बी प्रपेयर्ड फॉर दर इंटरव्यू रखवाएंगे तीसरा एटलीस्ट आप चार पाँच इंटरव्यू के बाद तो इंटरव्यू पास कर लेंगे ना जब आपका तीन साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी पाकिस्तान में है कंपनी में तो आपको इतना तो है कि आप यहाँ इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ठीक है कम्युनिकेशन स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स पर थोड़ा फोकस करना हो चाहिए जब आप इंटरव्यू पास कर देते हैं तो ये आपको फिर कंपनी जो है वीजा इस्पॉन्सर करती है पाकिस्तान बैठे और फिर आप जो है वो सक्सेसफुली लैंड करते हो जर्मन में एंड उस कंपनी के साथ काम करते हो और ब्लू कार्ड आपको वो कंपनी देती है ठीक है उनका कॉन्टैक्ट होगा छः महीने साल दो साल का चले जब आप यहाँ इन हो जाते हो दिन यू है वो अपॉर्चुनिटी टू इन अदर कंपनी जब आप यहाँ होते हो और इस माहौल को समझते हो कुछ महीने छः महीने आठ महीने साल उस कंपनी के साथ काम करते हो अच्छा परफॉर्म करते हो उधर सही लगता है उस कंपनी को कंटिन्यू अदरवाइज चेंज भी कर सकते हो लेकिन इनका ये है कि फ्री आपसे टेन परसेंट जो है वो एनुअल सैलरी का टेन परसेंट लेते हैं एक ही वक्त लाजमी नहीं आप हर मंथ उनको दे सकते हो इट्स अप टू यू एक ही बारी दे दो मंथ में 100-200 यूरो जितने बनते हैं वो दे दो लेकिन ये है कि यस आप जॉब के लिए अप्लाई कर दो वीज़ा इस्पॉसर मिल जाती है कंपनी से ये एजेंसी जिनको मैं जानता हूँ ये आपकी हेल्प कर सकते हैं और बस यही है जर्मनी आने का जॉब के लिए आ सकते हो तो इसके थ्रू आ सकते हो या फिर दूसरे आ, अब कुछ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो अगर आपको पता है लिंगडिन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है वीज़ा दैन यू आई और जर्मनी तो फिर दो ऑप्शन है आपके पास आने के या तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस गेट करके फ्रॉम द पाकिस्तान आप आ जाएँ या फिर आप मास्टर्स के लिए आ जाए फिर जब आप मास्टर्स के लिए आते हैं और आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको मास्टर्स फिर कंप्लीट करनी पड़ती है ताकि आपको ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर्स एटलीस्ट जो है ना आपको यहाँ पे जॉब मिल सके और फिर यस फिर जिस जिस फील्ड में मास्टर्स कर रहे हो तो आपको फिर उस फिर आपको उस मास्टर्स की डिग्री में स्किल्स होनी चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए खुद फिर आप थीसिस जब करते हो तो वो भी आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होता है आप जब यहाँ पे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स करते हो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स करते हो तो आपका उसमें भी कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है तो ये जो है दूसरा वह है यहाँ पे आने का सो आई थिंक मैंने मोस्टली सारी चीज़ें कवर अप कर दी है अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो मेंशन कर सकता है एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ड क्यों उसका आंसर दे सकूँ दूसरे वीडियो में या फिर हम दोबारा फिर कभी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे अगर कोई दूसरी कोई टॉपिक हुई या फिर आ, सेपरेट एक वीडियो बना देंगे तो चलिए इस स्ट्रीमिंग में यहाँ तक की था बाकी जो है होपफुली इन फ्यूचर ज़रूर वीडियो बनाएंगे स्ट्रीमिंग करेंगे साथ साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ Bye.